हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षित सेंगर और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ इस A-Star के बारे में। मैंने अभी कुछ दिन पहले A-Star खरीदी थी सेकंड हैंड, और मैंने ये 2011 मॉडल खरीदी थी और जो मेरे को पड़ी थी 1,60,000 की सेकंड हैंड। ठीक है, ये नौ साल पुरानी कार है ये, और ये एक वन ऑफ द बेस्ट डील है अगर आप 2 लाख से अंदर कार खरीदना चाहते हो। तो अब मैं बताता हूँ इस कार के बारे में, इसके अंदर कितने अच्छे फीचर्स हैं, क्या इसके फ़ायदे और नुकसान हैं, वो सब मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके लुक्स की और डिज़ाइन की। कुछ इस तरह से दिखती है साइड से, ये कार काफ़ी अच्छी और प्रीमियम लुक देती है। ये कार कम्पीट करती है i10 को। i10 अगर आप इस सेगमेंट में खरीदने जाएंगे तो इतनी सस्ती नहीं मिलेगी जितनी सस्ती ये मिल जाती है, क्योंकि ये मारुति का प्रोडक्ट है और ये बंद हो चुका है अभी। इसके अब बंद करके इसको सिलेरियो निकाल दिया कंपनी ने। तो अभी मैंने जब ये कार ली थी तो इस पर कोई एसेसरीज नहीं लगी थी, मैंने ये बिडिंग लगवाई एक्स्ट्रा साइड से। और ये कार आती है 1 लीटर इंजन के साथ, 1 लीटर इंजन के साथ, जो कि सेम आता है आपका ऑल्टो के अंदर आता है वैगनार, ऑल्टो K10 के अंदर आता है, वैगनार के अंदर आता है, वही सेम इंजन इसके अंदर आता है। और इस इंजन से अगर हम माइलेज की बात करें तो ये माइलेज देती है तकरीबन 15 का माइलेज ये दे देती है, 15 से 16 का AC पे। और अगर नॉन AC पे अगर हम इसको चलाते हैं, अभी विंटर्स हैं तो विंटर्स में अगर मैं अभी चला रहा हूँ तो 18 से 19 का ही आराम से माइलेज देती है। BS4 कार है ये। और इसको ख़रीदने के बाद मैंने इसके अंदर ये लगवाए थे रेन प्रोटेक्टर, और इसके साथ मैंने आईपॉप का ये लगवाया है इसके अंदर। ये कुछ 200 रुपये के लगे थे, ये कुछ 700-800 रुपये के लगे थे। उसके बाद अगर हम इसके बूट की बात कर लें तो बूट भी इसका काफ़ी अच्छा है। इतना आपको बूट मिल जाता है इसके अंदर, सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी, मतलब थोड़ा सा छोटा है बट काम चला हुआ अच्छा है। और इसके ये जो सॉकर हैं ये ख़राब हो चुके हैं, थोड़े टाइम के बाद ये ख़राब हो जाते हैं, मैंने अभी पढ़वाई नहीं है तो ये इसमें प्रॉब्लम आती है ये वाली। अब हम बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर की। इंटीरियर में इसमें लगभग आपको इतनी जगह मिल जाएगी जो कि मैं मानता हूँ कि सफिशियंट है 4 लोगों के लिए 5 लोगों के लिए, काफ़ी सफिशियंट जगह है ये। कार काफ़ी नीट एंड क्लीन मिली मेरे को, 25,000 किलोमीटर चली हुई कार है। और आगे से अगर कुछ बात करें तो इस तरह की है। इसमें मैंने क्या कराया, मैंने ये जाली लगवाई थी अलग से, इसको ऐसे रिमूव कर देते हैं तो ये काफ़ी मेरे को सही लगा। ये अंदर से काफ़ी प्रीमियम लुक देती है और धूप भी नहीं आने देती है अंदर। इसके अंदर ये चारों पावर विंडो मिलते हैं, ये लॉक अनलॉक का मिलता है, शीशे पॉज करने के लिए मिलता है ये। अब ले चलते हैं आपको कार के अंदर। ये कार अंदर से कुछ इस तरह दिखती है। कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम आता है। अगर म्यूजिक सिस्टम की अगर हम बात करें तो इतना अच्छा आउटपुट नहीं है इसका। अगर आपने ये अगर आप ये कार लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपको म्यूजिक के स्पीकर्स चेंज कराने पड़ेंगे। कुछ अच्छे स्पीकर्स लगाएंगे तो परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि इसके अंदर मैंने अभी चेंज कराए थे तब मेरे को थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिला था। और इसके अंदर यहाँ पे इसका ये मैनुअल ट्रांसमिशन में आती है, ये एक एस्ट्रे रखी हुई है, इतना स्पेस इधर मिलता है। ये पार्किंग लाइट्स, इधर मैंने एक चार्जर लगा रखा है। ये कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम इसका, स्पीकर्स, एक ये MBPR लगा रखा है मैंने, इसका गोदरेज का एयर लगा रखा है। ये फ़ोन होल्डर इधर लगा दिया है। कप होल्डर के अंदर भी इसके अंदर काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे आप फ़ोन रख सकते हैं, इस जगह पे भी काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है। साइड प्रोफाइलिंग की बात करें अगर डोर की तो वो भी काफ़ी अच्छी मिलती है यहाँ से, क्योंकि इन कंपेरिजन टू ऑल्टो और अगर हम किसी और कार की बात करें तो इसके अंदर काफ़ी अच्छे लुक्स आते हैं। मीटर कंसोल कुछ इस तरह से मिलता है इसका, टॉप स्पीड 180 है इसकी। और अभी ये लगभग कुछ दिखाता हूँ मैं आपको, 27,000 के अप्रॉक्स चल चुकी है। और इस कार में अगर हम माइलेज की बात करते हैं तो 18 से 19 का मिल जाता है इजीली, पर अगर आपको और माइलेज चाहिए तो आप इसके अंदर CNG लगवा सकते हो, वो भी काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है। और उसके बाद अगर हम मार्केट में अगर किसी भी और ब्रांड पे जाते हैं तो कोई और ब्रांड इतना ऑफर नहीं करती, मतलब इस रेट में अगर सेकेंड हैंड कार की बात करें, क्योंकि ये कार बंद हो चुकी है तो इसकी रीसेल वैल्यू काफ़ी कम है। इसके तो 13 इंचेस का टायर मिलता है, और 13 इंचेस का टायर वैगनार के अंदर भी आता था पहले और अभी ऑल्टो K10 के अंदर भी आता है। और अगर हम पीछे से बात करें तो पीछे से कुछ इस तरह दिखती है ये कार। ये इसकी ओवरऑल साइड प्रोफाइलिंग है, कुछ भी ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं कराया मैंने, एक ब्लैक स्ट्रिप लगवाई है ये वाली, ये रेन प्रोटेक्टर ये लगवाया विंडो के लिए, आई पॉप के डोर प्रोटेक्टर लगवाए हैं, और ऐसा कुछ खास मॉडिफिकेशन नहीं है। कार को आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो।